पहाड़ों पर बारिश के बाद तबाही का मंजर, जम्मू कश्मीर के रामबन में लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड में भारी पत्थर बरसे, एनएच 44 हुआ जाम। जूनागढ़ में सड़कों पर आया सैलाब, तेज बहाव में कई गाड़ियां फंसी। भारी बारिश की वजह से बेहाल हुआ वडोदरा, तालाब में तब्दील हुआ पूरा शहर। कई जगहों पर गाड़ियां हुई बंद, हवाई और रेल सेवा पर भी असर। अहमदाबाद में भी भारी बारिश के बाद जलजमाव, लगा जाम। गुजरात की नाडिया में हो रही तेज बारिश की वजह से अंडरपास डूब आया था ठप। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते मधुबन डैम से 70,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, 15 गांवों में अलर्ट। दरभंगा समस्तीपुर रेल पुल बना सेल्फी पॉइंट, जान पर खेलकर बच्चे कर रहे हैं स्टंट। दरभंगा और समस्तीपुर में बाढ़ का कहर, कई गांवों में घुसा पानी। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 58 पर बारिश के चलते भूस्खलन, बद्रीनाथ यात्रियों की बड़ी मुसीबत। मध्य प्रदेश राजगढ़ में बाइक सवार सैलाब में फंसा, लोगों ने किया रेस्क्यू। मेंढर में लहरों में फंसे स्कूली छात्र, सेना ने रेस्क्यू किया। महाराष्ट्र के लोनावला में खाई के करीब फंसा शख्स, पेट्रोलिंग टीम ने बचाई जान। राजस्थान के बूंदी में सैलाब हुआ जानलेवा, 4 लोगों की मौत। कच्छ में भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त, कई गांवों का संपर्क टूटा। चंद्रपुर में वर्धा नदी उफान पर, शहर में पानी घुसने से लगा जाम। सांगली जिले में कृष्णा नदी उफान पर, निचले इलाकों में भरा पानी। असम में बाढ़ से कई गांव तबाह, सड़कों पर बसेरा करने को मजबूर लोग। प्यार के सुपौल में बाढ़ राहत राशि को लेकर रिश्वत की मांग, बाढ़ पीड़ितों का हंगामा। उन्नाव रेप कांड में पीड़िता के परिवार की चिट्ठी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, परिवार ने चीफ जस्टिस को लिखा था खत। परिवार ने चिट्ठी में सुरक्षा का जताया था खतरा, मामला दिल्ली शिफ्ट करने की मांग। सुप्रीम कोर्ट में आज पेश की जाएगी रेप पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट, सर्वोच्च अदालत ने यूपी सरकार से मांगी थी रिपोर्ट। उन्नाव रेप पीड़िता की हालत में कोई सुधार नहीं, अभी भी वेंटिलेटर पर है पीड़िता। एक्सीडेंट को लेकर सीबीआई ने शुरू की जांच, चश्मदीदों से भी पूछताछ, विधायक कुलदीप सेंगर समेत 11 पर मुकदमा। कांग्रेस को अध्यक्ष पद की तलाश, आज कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग। प्रियंका गांधी मीटिंग में होंगी शामिल, राहुल के मीटिंग में शामिल होने को लेकर अभी सस्पेंस। मीटिंग में दिग्गज नेता होंगे शामिल, मीटिंग में अध्यक्ष पर चर्चा को लेकर सस्पेंस। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हिरासत में लिए जाने पर एसपी का हल्ला बोल, आज रामपुर में इकट्ठा होंगे कार्यकर्ता। अब्दुल्ला आजम पर रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में छापामारी में अड़ंगा डालने का आरोप, अब्दुल्ला ने लगाया साजिश का आरोप। अयोध्या भूमि विवाद मामले में मध्यस्थता पैनल की डेडलाइन खत्म, आज सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट सौंपी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को बंद लिफाफे में सौंपी जाएगी ये रिपोर्ट, कल सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। दिल्ली में आज मध्यस्थता कमेटी की बैठक, यूपी भवन में सुबह मीटिंग। कश्मीर में 35 से की सरगर्मी के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, सूबे में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण लागू। 35 से पर केंद्र के कदम की संभावना से कश्मीर की सियासत में हड़कंप, महबूबा ने कहा ये एकजुट रहने का वक्त। आज राज्यसभा में 2 बिल होंगे पेश, आतंकवाद पर यूएपीए बिल पर चर्चा के दौरान हंगामे के आसार। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल भी आज किया जाएगा पेश, बिल के विरोध में दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स आज हड़ताल पर। राज्यसभा में पास हुआ मोटर व्हीकल संशोधन बिल, अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को भरना होगा 10 गुना ज्यादा जुर्माना। हेलमेट न होने पर 1,000 रुपए का जुर्माना, लाइसेंस न होने पर 5,000 का फाइन। नितिन गडकरी ने दिलाया भरोसा, कहा रोड एक्सीडेंट पर लगेगी लगाम। लगातार दूसरे दिन एलओसी पर पाकिस्तान का सीज फायर उल्लंघन जारी, पाकिस्तानी फायरिंग में एक नागरिक घायल। भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 15 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की खबर, भारत की जवाबी कार्रवाई की तस्वीरें आई सामने, तस्वीरों की पुष्टि नहीं। सीजफायर उल्लंघन में मारे गए नागरिकों को लेकर भारत ने दी पाकिस्तान को चेतावनी, पाकिस्तान उच्चायोग के समक्ष कड़ी आपत्ति जताई गई, पाक सेना को वार्निंग। पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी में कल शहीद हुए नायक कृष्ण लाल को नम आंखों से दी गई विदाई, अंतिम दर्शन में उमड़ा सलाम। घाटी में सेना बढ़ाए जाने से बौखलाया पाकिस्तान, फिर बातचीत का लापराग। दिल्ली में राजपथ पर युवक ने फोड़ा सुतली बम, मची अफरा तफरी। बिहार के गया में एक युवक को पीट पीट कर अधमरा किए जाने का वीडियो वायरल, चोरी के आरोप में युवक की पिटाई।
जालौन में महिला पुलिस का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, चरित्र प्रमाण पत्र के नाम पर ले रही थी 100 रुपए। बाराबंकी में पुलिस के सिपाही का रिश्वत लेते वीडियो वायरल, पुलिस अधीक्षक ने किया सस्पेंड। बिहार के बगहा में छेड़खानी का वीडियो वायरल, 5 मनचले लड़की के साथ करते दिखे जबरदस्ती। मुजफ्फरपुर में कलेक्ट्रेट से रिटायर्ड कर्मचारी की पीट पीट कर हत्या, गुस्साए परिजनों ने किया हंगामा। मुजफ्फरपुर में बाइक सवार बदमाशों ने लूटे 35,000, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मलेशिया में मुक्सर की रहने वाली गरीब परिवार की लड़की ने की आत्महत्या, फोन पर लगाई पर आई खबर। मुजफ्फरपुर में 14 साल की लड़की के साथ 4 लोगों ने किया गैंगरेप के बाद हत्या की कोशिश, हालत गंभीर। महोबा में पुलिस ने मनचलों के पकड़ाए कान, पैर छुआकर छात्राओं से मंगवाई माफी। बाराबंकी में आईआईटी परीक्षा में नकल को लेकर हंगामा और नारेबाजी, पुलिस ने दौड़ाया। शेखपुरा में एटीएम में चिप लगाते पकड़ा गया बदमाश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुड़की में 2 शूटर गिरफ्तार, जेल से ही दी थी मारने की सुपारी। मेरठ का 50,000 का इनामी हत्यारा विजय धामा दिल्ली से गिरफ्तार, पंचायत उपचुनाव में की थी फायरिंग। गाजियाबाद में 9वीं के छात्र की हत्या, जंगल में मिला शव। दिल्ली में 4 वकील डॉक्टर से रिश्वत लेते पकड़े गए, फर्जी नोटिस भेजकर देते थे धमकी। फिरोजाबाद में बिजली विभाग का पुलिस से बदला, लाइनमैन की मोटरसाइकिल का चालान करने पर थाने की बिजली काटी। अकोला में नाबालिग को राजस्थान में बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। दिल्ली में कुख्यात बदमाशों को पकड़ने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों और बदमाशों ने किया हमला, बदमाश को गिरफ्तार करने में कामयाब रही पुलिस। सोनभद्र में गौवंश के अवशेष मिलने से हड़कंप, भारी पुलिस बल तैनात। बाड़मेर में दुल्हन के बाद दूल्हे और उसके भाई का अपहरण, पुलिस ने करा रिहा। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के इनामी बदमाश को लगी गोली, एक साथी फरार। सहारनपुर में पकड़ी गई बच्चा चोर, नवजात शिशु की देखभाल के लिए बुलाई गई रिश्तेदार ही निकली बच्चा चोर, बताया था बंदर ले गया बच्चा। सिरसा में 2 शख्स की एक बुजुर्ग महिला ने की पिटाई, लूटने का आरोप। सतना में कलेक्ट्रेट ये फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर ठगी, कलेक्टर ने दिए FIR के निर्देश, साइबर सेल ने शुरू की जांच। गढ़चिरौली में चलती ओमनी वैन में लगी आग, बाल बाल बचा ड्राइवर। गोपालगंज में ट्रक में लगी आग, हाई टेंशन तार गिरने से हुआ हादसा। सहारनपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आए कांवड़िए, 1 की मौत, 3 घायल। दिल्ली में बस स्टॉप के पास धंसी जमीन, ट्रक फंसा। जमशेदपुर में तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से टकराई, 2 की मौत। फिल्म तूफान में फरहान अख्तर के बॉक्सिंग कोच का रोल निभाएंगे परेश रावल, 1 महीने से मुंबई में फरहान के साथ फिल्म के लिए परेश रावल की ट्रेनिंग करने की खबरें। कंगना की फिल्म जेंटलमैन है क्या पर लगे पोस्टर कॉपी करने के आरोप, हंगरी में एक आर्टिस्ट ने कहा मेरे ओरिजिनल डिजाइन चोरी किए गए। वॉर फिल्म में दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन गन चलाएंगे टाइगर, गंटिंग गन के साथ आएंगे नजर। करीना कपूर खान ने पिंक साड़ी में कराया फोटोशूट, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। अरसे बाद दोस्त नवाजुद्दीन के साथ दिखेंगे राजपाल यादव, चूड़िया में करेंगे 7 काम। आज से होगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की औपचारिक शुरुआत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले एशेज टेस्ट से जुड़ेंगे टेस्ट क्रिकेटर में नया अध्याय। मेजबान इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर नहीं खेलेंगे पहला टेस्ट मैच, बटलर एंडरसन और स्टोक्स को प्लेइंग 11 में मिली जगह। कश्मीर में ड्यूटी पर तैनात हुए महेंद्र सिंह धोनी 15 अगस्त तक विक्टर फोर्स के साथ करेंगे पेट्रोलिंग, गार्ड और पोस्ट की ड्यूटी। वेस्टइंडीज से 2-2 हाथ करने फ्लोरिडा पहुंची टीम इंडिया, 3 और 4 अगस्त को यहां खेले जाएंगे पहले 2 T20 मैच। पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली का बयान, कहा अगले कोच को लेकर विराट का पक्ष रखना गलत नहीं, कोहली ने रवि शास्त्री को फिर से चुनने का किया था समर्थन। 23 से 25 सितंबर के बीच आयोजित होगा दूसरा इंडिया टूरिज्म मार्च, पर्यटन के सबसे बड़े इवेंट में 70 देशों के 300 प्रतिनिधि लेंगे हिस्सा। आज से सस्ता हो जाएगा इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना, 12 की जगह अब देना होगा 5% GST। बजाज ने बढ़ाए पल्सर और डोमिनार 400 के दाम, 6,000 रुपए तक महंगी हुई बाइक्स। भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने रोल्स रॉयस पर दर्ज किया केस, 77 करोड़ रुपए की रिश्वत देने का आरोप। मुंबई पुणे हाईवे पर लू प्रोजेक्ट को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस, तैयार होने के बाद 23 मिनट में पूरा होगा सफर।
डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर चीन को दी चेतावनी, ट्रेड डील का इंतजार न करने की नसीहत। ईरान ने किया ब्रिटेन की महारानी का अपमान, तेहरान की पेंटिंग प्रदर्शनी में महारानी एलिजाबेथ को बताया समुद्री डाकू। पाकिस्तान के क्वेटा में जोरदार बम धमाका, दो पुलिसकर्मियों समेत 5 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में हेरात कांधार हाईवे पर जोरदार धमाका, महिलाओं और बच्चों समेत 34 लोगों के मारे जाने की खबर। उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से दागी एक के बाद एक कई मिसाइलें, हालात पर नजर बनाए हुए दक्षिण कोरियाई सेना। ओसामा बिन लादेन के बेटे हमजा की मौत, अमेरिकी अफसरों ने दावा किया। अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पर सामने आया दिलचस्प नजारा, एक साथ मस्ती करते नजर आए दोनों ही देशों के बच्चे। पेरू में भीषण सड़क हादसा, पहाड़ से टकराई मिनी बस, 19 लोगों की मौत। स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टेंटाइन झील में दिलचस्प नजारा, पानी की सतह पर नजर आया झरने जैसा मंजर। ब्रिटेन की पूर्व मॉडल एलिजाबेथ डोड ने कुत्ते के साथ रचा ब्याह, पूरे किए तमाम रीति रिवाज।